ये हेयर ऑयल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप इस हेयर ऑयल को 15 डेज तक अपने रेगुलर हेयर ऑयल की जगह इस्तेमाल करोगी तो आपके हेयर इतनी तेज़ी से ग्रो होने लगेगा कि आपको दूसरी और कोई भी रेमेडी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि गाइस ये जो हेयर ऑयल है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि न्यू हेयर को तेज़ी से ग्रो करने से लेकर जो भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उसको ये दूर कर देगा। ये आपकी अनमैनेजेबल हेयर को मैनेजेबल बनाएगा। अगर आपकी स्कल्प पर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को ये आसानी से रिमूव करेगा, क्योर करेगा। ये आपकी थिन हेयर को थिक बनाएगा, प्लस ये आपकी हेयर पर मतलब एक अच्छा ब्लूम लाएगा। ये आपकी हेयर को तेज़ी से लंबा करेगा। तो फिर गाइस चलिए आप हम देख लेते हैं इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए एंड इस हेयर ऑयल को किस तरीके से बनानी है उसके बारे में। सो गाइस इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल एंड फ्रिंगरस पाउडर। सो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए 10 ml कोकोनट ऑयल। देन गाइस आप हम उसमें ऐड करेंगे करीबन 1 teaspoon ऑफ एलोवेरा जेल। देन गाइस आप हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ फ्रिंगरस पाउडर। सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड मिक्स होने के बाद आप हम इस ऑयल को वैसे ही ढककर 1 hour के लिए छोड़ देंगे ताकि इस ऑयल में इन सारे इंग्रेडिएंट का जो भी मतलब न्यूट्रिशन है, प्रॉपर्टी है वो आ जाए। देन हम इस ऑयल को अपने पूरे स्कैल्प पर अप्लाई कर लेंगे। सो गाइस देखिए 1 hour हो गई है, तो चलिए आप हम इस ऑयल को पूरे स्कैल्प पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। गाइस अगर आप इस हेयर ऑयल को ठीक इस तरीके से हफ्ते में 3 बार करके 15 डेज तक यूज़ करोगे तो आफ्टर 15 डेज आप खुद ही देख पाओगे आपकी हेयर की लाइक जो भी प्रॉब्लम था डैंड्रफ का, हेयर फॉल का, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है। प्लस आपकी जो हेयर है वो तेज़ी से ग्रो होने लगा है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, प्लस गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड दूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।